पीटर्सबर्ग यूनिवर्सिटी, जहाँ पर जेसन और रॉनी दोनों मर्ज होकर फायरस्टॉर्म बने हुए थे और एक टेस्ट के दौरान उन्हें एक चैम्बर में बंद किया गया था, जहाँ पर रॉनी कहता है, प्रोफेसर अगर आपने इसे नहीं खोला तो मैं इसे जेल में ट्रांसम्यूट कर लूंगा या फिर वाटर में या फिर मैं इसके थ्रू फेज होकर वहाँ पर आ जाऊंगा। लेकिन तभी प्रोफेसर उससे कहते हैं कि अपनी पावर्स यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से हेल्प भेज रहा हूँ। और तभी एटम अपना साइज बड़ा करते हुए कहता है कि ऐसा लग रहा है कि हमें अभी कुछ काम करना है। और इसी के साथ आज का एपिसोड न्यूक्लियर ऑप्शन शुरू होता है। एक बार जो 11 विलन्स और हीरोज मर चुके थे, वो फिर से व्हाइट लाइट जो कि अर्थ के डीप सेंटर से आई थी उसकी वजह से फिर से वापस आ चुके थे। लेकिन उनका वापस आना अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ था, क्योंकि यह है ब्राइटेस्ट डे। यहाँ पर एटम को एक नए सूट में देखकर फायरस्टॉर्म उससे पूछता है कि ये क्या है। इस पर वो बताता है कि जहाँ पर मुझे जाना है उसके लिए मुझे कुछ लेस फ्लेमेबल पहना था जो कि स्पैंडेक्स से कम जले। और तभी वो कहता है कि मुझे तुम्हारा फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स जो कि तुम्हें और जेसन को बॉन्ड कर रहा है उसे डिसआर्म करना है। तभी जेसन रॉनी से पूछने को कहता है कि हम यहाँ पर फंसे हुए क्यों है, जिस पर एटम जवाब देता है कि मैं और प्रोफेसर अभी भी कुछ टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जेसन उसे पूछने को कहता है कि उससे पूछो कि हम उसकी क्या मदद कर सकते हैं, जिस पर जेसन से गुस्सा होते हुए वो कहता है कि तुम बैकसीट ड्राइविंग करना बंद करो। लेकिन जेसन उसे समझाता है कि मार्शियन मैनहंटर के अलावा और कोई भी ऐसा नहीं जो हमें सुन सके। और फायरस्टॉर्म को बड़बड़ाता सुन एटम उसे कहता है कि आर्ग्यू करना बंद करो क्योंकि ये डेंजरस हो सकता है जो मैं करने वाला हूँ उसके लिए। और तभी वो फायरस्टॉर्म के सिर पर जलते हुए उस आग में कूद जाता है और प्रोफेसर स्टेन से कहता है कि आप सही थे, ये सिर्फ शो के लिए नहीं है, इसका टेम्परेचर अभी 1000 डिग्रीज है। और तब प्रोफेसर उसे समझाते हैं कि जो कैमरास तुम्हारे हेलमेट में फिट हुए हैं वो मेल्ट नहीं हो सकते, वो तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ेंगे, तो बच्चों का ख्याल रखना क्योंकि उन्हें इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और तभी एटम फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स के आगे था, लेकिन रॉनी कुछ सुनता है और फिर से जेसन के साथ आर्ग्यू करने लगता है। इस पर जेसन कहता है कि उसने कहा है कि बात मत करो, लेकिन रॉनी उससे कहता है कि उसने कहा है कि आर्ग्यू मत करो, बात करने के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। तभी एटम उस मैट्रिक्स के सब एटॉमिक पार्टिकल्स को पुश करके जेसन और रॉनी को फ्री करने के लिए फायरस्टॉर्म मैट्रिक्स डिसआर्म करने लगा था। लेकिन तभी यहाँ पर रॉनी को गुस्सा आ जाता है और फायरस्टॉर्म के सिर के ऊपर जलती हुई आग भड़कने लगती है। और तभी वहाँ पर एटम पर हमला हो जाता है और इसी वजह से फायरस्टॉर्म के अंदर ही एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देखते ही प्रोफेसर कहते हैं, एटम लगता है कि तुमसे वो फाइट कर रहा है, वो नहीं चाहता कि वो दोनों एक दूसरे से जुदा हो। लेकिन तभी एटम को कुछ दिखता है और तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो चुका था। यहाँ पर दूसरी तरफ पर लिवर में एक घर में कोई न्यूज देख रहा था, जहाँ पर सुपर हीरोज रेजरेक्ट होने की न्यूज फ्लैश हो रही थी एक टीवी पर। और इतना देखते ही एक औरत नाइफ के साथ पूरी फैमिली को मार देती है और उनकी स्किन छील देती है, और साथ ही साथ उस घर से बाहर निकलते हुए खुद की स्किन निकालते हुए भी वो जॉन यानी कि मार्शियन मैनहंटर का नाम लेते हुए बाहर निकलती है। यहाँ पर कोलोराडो में मार्शियन मैनहंटर अपने एक दोस्त से मिलने आया था और वो दोस्त था एयरडल, जो कि अभी अपनी टॉम में लेटा हुआ था, जहाँ पर उसके टॉम के अंदर जाकर वो एक फोटोग्राफ देखता है जिससे उसे ये पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है। यहाँ पर पेरुविन जंगल में हॉकमैन और हॉकगर्ल कुछ लोगों को पीटते हुए एक घर के अंदर घुसते हैं, जहाँ पर वो लोग नोटिस करते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है, सिर्फ सुपर हीरो फॉर्म में नहीं बल्कि सिविलियन फॉर्म में भी, और उनके सारे फोटोग्राफ्स वहीं पर थे। जहाँ पर हॉकमैन देखता है कि वहाँ पर उनके पिछले जन्मों के सारे मास्क और उनकी जगह फोटोग्राफ्स के साथ वहाँ पर लगाई गई थी, जिस पर उन्हें ये पता चलता है कि ये काम हाथ सेट का होगा। और उन मास्क को देखकर हॉकमैन कहता है कि उसने इन मास्क को हमारे मरने के बाद हमारे चेहरों से निकाला होगा और वो इसे यादगार और एक टॉय के रूप में यहाँ पर सजा कर रखता है। वो हमसे ये कहना चाहता है कि वो अभी भी हमारे लाइफ को कंट्रोल कर सकता है, हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल कर सकता है। और उन सभी को तोड़ते हुए हॉकमैन कहता है, लेकिन अब नहीं, हम उसका अत्याचार बहुत सह चुके, अब से हम अपनी डेस्टिनी खुद कंट्रोल करेंगे, हम हमारा फ्यूचर खुद डिसाइड करेंगे और अब वक्त आ चुका है कि हम हाथ सेट को मार दे। यहाँ कोलोराडो में माउंट ऑफ सीनियर होम में एरडर की बेटी से मिलने के लिए मार्शियन मैनहंटर एरडर का भेष बनाकर आता है और उसकी बेटी को ले जाकर उस नाइट के बारे में पूछने लगता है जब एरडल ने उसे यहाँ पर टेलीपोर्ट किया था। लेकिन एरडल की बेटी एक हादसे में अपनी याददाश्त गंवा चुकी थी, इसी वजह से वो कहती है कि मुझे कुछ ठीक से तो याद नहीं। लेकिन तब मार्शियन मैनहंटर उसके दिमाग में जागते हुए वो सारी बातें निकालने लगता है। तब हम देखते हैं कि जो स्टोन टैबलेट उन्हें मिला था उसके मुताबिक वो एक्सपेरिमेंट के साथ मार्शियन मैनहंटर को यहाँ पर बुलाना चाहते थे, लेकिन उसके बजाय कोई और ही आ चुका था और वो उन दोनों पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है।
और इसी वजह से एरडल अपनी बेटी को दूसरे एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ से बाहर रखते हैं और यहाँ पर खुद ही एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। और इस बार एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और मार्शियन मैनहंटर ही टेलीपोर्ट होकर अर्थ पर आ जाता है, जो कि बाद में एक वर्ल्ड सेवियर, एक हीरो और एक सुपर हीरो बनता है। लेकिन तभी वहाँ पर रखे एक जनरेटर में ब्लास्ट हो जाता है, जिस वजह से जॉन और एरडल दोनों ही बाहर गिर जाते हैं। लेकिन सिर्फ वो दोनों ही नहीं बल्कि एरडल की बेटी भी इस हादसे का शिकार हो जाती है और उस ट्रांसपोर्टर के कुछ कांच के टुकड़े उसके सिर में घुस जाते हैं। यहाँ पर मार्शियन एरडल को तो बचा लेता है, लेकिन उसकी बेटी के बारे में ना पता होने की वजह से वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। और इतना सुनने के बाद मार्शियन मैनहंटर एरडल की बेटी को वापस सुलाकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ दुबई में एक्वामैन और मेरा दोनों ही वहां से उन क्रिमिनल्स को पुलिस के हवाले करके वापस डीप सी में लौट जाते हैं। लेकिन उन्हें देखते हुए डेडमैन उन्हें पुकारता है, लेकिन वो उसे सुन नहीं पाते, जिस पर वो रिंग से कहता है, कम ऑन, मुझे पता है कि तुम मुझे किसी को देखने नहीं दे रही, लेकिन कम से कम कोई मुझे सुन तो पाए। लेकिन तब तक दोनों ही निकल चुके थे और तब वो देखता है कि वहां पर बहुत सारी मछलियां मरी हुई थी। तब डेडमैन खुद से ही पूछता है कि आखिर ब्लैक रिंग ने एक्वामैन के साथ किया क्या है और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम दोनों ही नहीं बल्कि और भी कोई मुसीबत में पड़ने वाला है। और तभी व्हाइट रिंग उसे एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट करती है जहां पर वो उड़ नहीं पा रहा था। और तब वो उस रिंग से कहता है कि उड़ो उड़ो, मुझे पता है कि तुम उड़ सकती हो, मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो, उड़ो। और तभी वो नीचे गिरने ही वाला था कि तभी रिंग उड़ने लगती है और तब वो कहती है फाइट, जिस पर वो कहता है फाइट, तुम पागल हो, यहाँ पर कोई नहीं दिख रहा और मैं फाइट करूँ किससे, फाइट करूँ किस लिए। और तभी वो एक परछाई देखता है और जब वो उस परछाई के असली मालिक को देखता है तब वो देखता है कि वो एंटी मॉनिटर के सामने खड़ा था, जो कि यूनिवर्स डिस्ट्रॉयर है। और वो अभी जिस जगह पर था वो था एंटी मैटर यूनिवर्स प्लैनेट क्वाड में, जहाँ पर उसे देखते ही डेडमैन रिंग से कहता है, मुझे लगता है तुम मजाक कर रहे हो, है ना। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, एंजॉय द लाइफ, धन्यवाद और जय हिंद।